अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज आपसे शेयर करता हूँ, शायद आपने ये बात पहले नहीं सुनी होगी। इसे अल्लामा अली इब्ने बुरहानुद्दीन हलबी ने उम्मुस सीर की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 503 पर जमा किया है, बल्कि 502 और 503 पर जमा किया है। इस ज़मीन में वो लिखते हैं कि देखो, दिलों के खुदा की याद से गाफिल होना ये जिस्म की मौत है। अल्लाहु अकबर, क्या खूबसूरत बात लिखी है। दिलों का खुदा की याद से गाफिल होना ये जिस्मों की मौत है। हम इंसान, अल्लाह ताला का एक तरीक़े से हम पे ये करम है, इनायत है कि गाफिल दिलों के जिस्मों पे मौत नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला हमें मोहलत देता है कि अपने दिल की गफलत को दूर करो और मेरी याद से अपने दिल को मुअत्तर रखो, मुनव्वर रखो, अपने ईमान की ज़्यादती पर मेहनत करो और मेरे क़ुर्ब पर मेहनत करो। इस ज़मीन में वो लिखते हैं उम्मुस सीर में सफ़ा 502 पर कि एक मरफू हदीस में आता है कि जानवरों और कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी अल्लाह ताला के ज़िक्र से है। बड़ी खूबसूरत बात है अगर आप गौर करें कि उनकी हयात जुड़ी है अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह के ज़िक्र से वो गाफिल हो जाएं तो उन पर मौत तारी हो जाती है, यानी जब उनकी तख्लीक होती है तो वो कितना ज़िक्र करेंगे वो उनके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। जब वो ज़िक्र अपने इख्तिताम को पहुँचता है तो उनकी मौत वाक़े हो जाती है। और इसी बात को इस मरफू हदीस में बयान किया गया है कि जब उनकी तस्बीह ख़त्म हो जाती है तो अल्लाह ताला उनकी रूह कब्ज़ कर लेता है। इसी तरह एक और रिवायत बयान करते हैं उम्मुस सीर में कि जो जानवर भी शिकार किया जाता है और जो दरख्त भी काटा जाता है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के ज़िक्र से गफलत की वजह से ही काटा या शिकार किया जाता है, यानी उसका ज़िक्र ख़त्म हो चुका होता है, उसकी मुकद्दर में जितना ज़िक्र होता है वो पूरा हो चुका होता है, इसलिए अब वो गाफिल होता है और उस गफलत की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ़ जानवरों और दरख्तों तक महदूद नहीं है और ना सिर्फ हशरात यानी कीड़े मकोड़ों तक महदूद है। तो देखें, पहली रिवायत में तो कीड़े मकोड़ों का ज़िक्र आया, जानवरों का ज़िक्र आया, दूसरे में जानवरों का और दरख्तों का ज़िक्र आया। एक और रिवायत लाते हैं उम्मुस सीर में कि कपड़ा, यह आपका जो कपड़ा है ना, ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। जब वो बोसीदा हो जाता है तो इसकी तस्बीह बंद हो जाती है। तो अब आप इससे अंदाज़ा करें कि हर शय अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर चीज़, ये इंसान ही बदबख्त है जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल बैठा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करें और हर वक्त उसके ज़िक्र में रहें, हमारी ज़िंदगियाँ उसकी ताबेदारी में गुजरें, उसकी नाराज़ी में ना गुजरें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।